ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एआई ट्रिपल 2011 में पूछा था। द वेक्टर ए एंड बी आर नॉट ए पैरेलल एंड सी एंड डी आर टू वेक्टर सेटिस्फाइड द कंडीशन बी क्रॉस सी इज बी क्रॉस डी एंड ए डॉट टी इज जीरो, देन डी वेक्टर इक्वल्स टू, अपने को बताना है कि डी वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा। गिवन ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, एंड ए डॉट डी इज जीरो एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ओके ठीक, यानी कि इसको इधर ले आएंगे तो बी क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो, सो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और माइनस डी वेक्टर इक्वल टू जीरो। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मीनिंग है कि जो दोनों वेक्टर्स होंगे अगर इनका क्रॉस जीरो है तो ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, तो बी वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ये क्या होंगे आपस में पैरेलल वेक्टर्स होंगे। सो बी वेक्टर को हम लैम्डा टाइम्स इनटू बी वेक्टर है, इसको लैम्डा टाइम्स इनटू सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर हम लिख सकते हैं। अपने को कैलकुलेट करना है डी वेक्टर, तो डी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर माइनस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। एंड और अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन है ए डॉट डी इज द जीरो, ए डॉट डी इज जीरो, तो डॉट ले लेते हैं एक, तो ए डॉट डी इज ए डॉट सी माइनस लैम्डा ए डॉट बी, ये जीरो, तो जीरो इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट सी की बात करें तो ए डॉट सी अपने पास नहीं है, ओके तो ए डॉट सी रहने दिया माइनस लैम्डा इन टू ए डॉट बी। ठीक, इस लैम्डा को कितना, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की तो लैम्डा की वैल्यू आएगी ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी। ठीक, इसको हमने यहां पुट कर दो तो अपने पास डी वेक्टर आ जाएगा, तो डी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर माइनस लैम्डा यानी कि ए डॉट सी अपॉन ए डॉट बी इन टू बी वेक्टर, तो ये अपने पास आ जाएगा डी वेक्टर। ठीक ओके, तो चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपने पास। फर्स्ट ऑप्शन है सी प्लस ए डॉट सी प्लस, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है बी प्लस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है सी माइनस ए डॉट सी अपॉन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट।